हाय फ्रेंड्स। अच्छा, आज हम लोग जो है थोड़ी सी फ्लटर के आगे के विजिट्स देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहे होते हैं, और साथ साथ हम लोग जो है एक चैट व्यू क्रिएट करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप सीएमडी लिखेंगे, और सीएमडी के बाद यहाँ पर हम एक कमांड रन करेंगे, फ्लटर क्रिएट, और जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग थोड़ा सा एक चैट व्यू लगाने की कोशिश करेंगे, तो मैं इसका नाम फॉर नाउ चैट व्यू रख रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो ये कि हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि फ्लटर जो है वो कंसीडर करता है कि उसका कोई ना कोई मॉड्यूल है। ठीक है, तो इस वजह से सारे जो भी हमारे पास जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वही कमांड है, सीडी चैट व्यू कर लेते हैं, वही सीडी चैट व्यू और कॉड डॉट कर लेते हैं ताकि हमारे वीएस कोड पर कॉड ओपन हो जाए। तो कमांड लाइन को मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, जब भी हम कोई फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन क्रिएट होती है जो कि हमारे पास फ्लटर क्रिएट करता है, जो कि हमें नहीं जरूरत। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने यहाँ पर एक वॉइड मेन का फंक्शन बना लेना है, वॉइड मेन, और इसमें से ये मैं लिस्ट आर्गुमेंट सब हटा रहा हूँ ताकि साफ साफ काम कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक रन ऐप का हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक विजिट देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक विजिट बना लेते हैं, स्टेटलेस विजिट होगा। तो यहाँ पर एसक्यूएल लिखते हैं, और मेरे पास एक विजिट है। ठीक है, मैं इस विजिट का नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई अफेक्टेड। ठीक है, अच्छा माई अफेक्टेड की वजह क्या है, मैं इसका आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास बेसिकली एक टेस्ट का फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास जो है बेसिकली टेस्टिंग, जो अगर हम लोग बात करें कोई भी अगर हम लोग एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होते हैं एज अ डेवलपर, तो उसके बाद वो टेस्टिंग पर जाती है। ठीक है, जो हमारे टेस्टर्स होते हैं या तो हमारी जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम्स होती हैं, तो वो इसको टेस्ट कर रही होती है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर वो टेस्ट केसेस लिखते हैं। ठीक है, और हमारी जो एप्लीकेशन की जो क्लासेस वगैरह होती हैं वो यूज़ करते हैं, जो विजेट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने माई ऐप लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मकसद ये है कि ये डिफॉल्ट में माई ऐप ही कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास एप्लीकेशन आएगी उसकी जो फर्स्ट क्लास होगी वो माई ऐप ही होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अपनी क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ, फॉर नाउ अगर मैं बोल देता हूँ इसको चैट। ठीक है, और तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो है एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बोलेगा भाई माई ऐप तो है ही नहीं, तो आप यहाँ पर माई ऐप क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर फिर चैट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखेंगे एरर रिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और इसके अलावा हमारी कुछ प्रैक्टिस होती हैं जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, इस वजह से हम लोग उसको माई ऐप ही रख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी प्रैक्टिस होती हैं, जैसे हम लोग जब लूप चलाते हैं तो सिर्फ आई वेरिएबल लेते हैं, तो ऐसे ये भी एक प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मगर। अच्छा, ये हमने जो है रन ऐप यहाँ पर कॉल कर ली है, हमारी ये ऐप कॉल हो जाएगी। बट मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे मटेरियल ऐप यूज़ करते हैं, क्योंकि मटेरियल ऐप हम लोग इस वजह से यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मटेरियल ऐप से एक्सेस करनी होती है। ठीक है, जिसमें जो हमारे पास जो कलर थीम्स होती हैं, ठीक है, इसके अलावा कलर वगैरह एक्सेट्रा, और जो सारे आइकन्स वगैरह होते हैं जो हमें मटेरियल ऐप जो प्रोवाइड कर रही होती है, में जो है हर चीज़ जो है स्टैटिकली इसमें एप्लीकेशन में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अच्छा चले मटेरियल सही है नहीं, पेश हूँ, तो अभी हम लोग यहाँ पर मटेरियल ऐप को जो है कॉल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपने यही प्रैक्टिस रखनी, जब कभी भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आपने सबको डिलीट करना है। ठीक है, वॉइड मेन का फंक्शन बनाना है, एक माई ऐप का स्टेटलेस विजिट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मटेरियल ऐप आप यूज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था मटेरियल ऐप हमसे लेते हैं हॉम। ठीक है, ये बात आपने रट ली नहीं। ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है और ये हमेशा आपने काम ये ऐसे ही करना है। ठीक है, और हॉम हमसे लेकर एक विजिट। ठीक है, अच्छा अब हमने बेसिकली अगर हम लोग जो अपना लास्ट कोड देखें, तो एक मिनट में अपना लास्ट कोड ओपन कर लेता हूँ जो हमने लास्ट कोड किया था। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर अभी फॉर नाउ तो हमने जो है दो कंटेनर लिए थे। ठीक है, बट हमारा कोड जो है ना बहुत लंबा जा रहा था, उसमें उसी में हमने रन ऐप भी यूज़ किया हुआ है, उसमें हमने माई ऐप भी यूज़ किया, उसमें सारा काम हम कर रहे हैं। ठीक है,
तो हम लोग जो हमारी जो प्रैक्टिसेस होती है वो हम लोग क्लीन कोड को जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लीन कोड आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, उसमें होता है कि हम लोगों ने जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को जो है फॉलो करना होता है। हर चीज डिफरेंट होगी, ठीक है, तो हमारे पास सी तरीके से स्क्रीन भी हमारी जो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी स्प्लैश स्क्रीन है वो डिफरेंट होगी, लॉगिन स्क्रीन है वो डिफरेंट होगी, साइन अप स्क्रीन है वो डिफरेंट होगी। तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम सब एक ही पेज पर सारा काम कर देंगे, ठीक है, एक ही फाइल में सारा कोड लिखेंगे, ठीक है, जिसको ऐसे कोड हमारा बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। ठीक है, टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा मसला होता है उसमें, ठीक है, एप्लीकेशन की जो है फिजिबिलिटी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, एप्लीकेशन के क्रैशेज वगैरह जो है बहुत बढ़ जाते हैं, और इस तरीके के काफ़ी सारे और भी इश्यूज होते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, कि परफॉर्मेंस काफ़ी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है एप्लीकेशन की। ठीक है, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग जो है एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब कभी मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँ सबसे पहले मेरे पास जो है जो फाइल होगी या तो स्लैश होगी या तो होम ये होगा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है, अभी अगर आप देखें जो मेन डॉट डाट की फाइल है, ठीक है, ये भी हमारे पास स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, तो मेन डॉट डाट की फाइल का नाम है ये स्मॉल लेटर्स में, बट हम जो अंदर एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर सुन रहा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है, बाकी स्मॉल होता है। ठीक है, माई का एम कैपिटल है, एफ का ए कैपिटल है। ठीक है, तो खैर ये केमिक केस तो नहीं है, इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर नाउ आई एम यूजिंग होम व्यू। ठीक है, तो होम व्यू लिखने का तरीका यही होगा कि होम अंडरस्कोर व्यू में लिख लिया या तो होम व्यू मिला के लिख लिया, या जैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको आसानी होगा, होम अंडरस्कोर व्यू क्योंकि ज़्यादा हमारे पास जो विजिबिलिटीज की बढ़ रही है तो होम व्यू लिखा हुआ है, तो डार्ट की एक्सटेंशन यूज करते हैं। ठीक है, अभी आप देखें मैंने सब स्मॉल लेटर्स यूज किए, इसमें कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं किया है। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है कि सब स्मॉल लेटर आप यूज कर रहे होंगे, इसमें कोई भी आप कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया। ठीक है, होम अंडरस्कोर व्यू, अच्छा मैंने आपको बताया था एस टी एल हम यूज करेंगे, स्टेटलेस विजिट, तो एस टी एल आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेटलेस विजिट बना लेंगे, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि होम कैश कैपिटल होगा, व्यू का वी कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये हमने होम व्यू की एक क्लास बना दी। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो यहाँ पर एक एरर जो हमारा आ रहा है, ठीक है, तो ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि होम एक्सपेक्ट कर रहा होता है एक विजिट। ठीक है, ये एक विजिट मांगते हैं हमसे, हमने एक विजिट बना लिया स्टेटलेस विजिट जो कि होम व्यू है। ठीक है, तो हम इस विजिट को यहाँ पर पास कर देंगे होम को। ठीक तो यहाँ पर मैंने लिख दिया होम व्यू। ठीक है, अच्छा अभी इसको ये रिकग्नाइज नहीं कर रहा, मैं कंट्रोल डॉट करूंगा तो ये हमें जो है हिंट बता देगा कि आपने इम्पोर्ट कहाँ से करना। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर इसने इम्पोर्ट कर लिया होम व्यू को। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग एक कॉन्स्ट यूज कर लेते हैं ताकि हमारे इशूज और हो जाए। ठीक है, अच्छा मटेरियल भी कॉन्स्टेंट है हमारे पास, वैसे ये यूज आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो बल्कि मसाइल आपके बढ़ जाते हैं। अच्छा उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कभी भी हमें एक न्यू स्क्रीन रिक्वायर्ड होती है तो हम स्कैफोल्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कोई स्क्रीन है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट नहीं करती स्क्रीन। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अभी स्कैफोल्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, स्कैफोल्ड मैंने यूज़ कर लिया, स्कैफोल्ड मैंने आपको बताया था एप बार लेता है। ठीक है, एप बार के अंदर मैं अपना एप बार पास करता हूँ। ठीक है, एप बार मैंने पास कर दिया, और अच्छा ये अब कह रहे हैं कॉन्स्टेंट नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर हम कोई विजिट पास करते हैं, फॉर नाउ आई एम यूजिंग कॉलम। ठीक है, तो कॉलम में मैं चिल्ड्रन ले लेता हूँ, अभी ये चीज़ें आप सब लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा इसके अंदर अभी जो सबसे मेन हमारा जो विजिट है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिस्ट स्टाइल। ठीक है, तो इसको लिख के देख लेते हैं लिस्ट स्टाइल क्या होता है। तो एक काम ये करते हैं, कॉलम को हटा देते हैं, डायरेक्ट लिस्ट स्टाइल यूज करते हैं, लिस्ट स्टाइल। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस पर होवर करूँ तो हमारे पास बहुत सारे इसके ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, लीडिंग है, टाइटल है, सब टाइटल है, ट्रेलिंग है, किस थ्री लाइन है, डेंस है, मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो जो मेजरली हमारे पास यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बता देते हैं टाइटल। ठीक है, अगर मैं अपना ये खोल लूँ व्हाट्सएप, यूज खोल लेते हैं व्हाट्सएप, तो
ठीक है, हम यहाँ से यूआई ओपन कर लेते हैं। हाँ जी, शायद ओपन हो जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी बात करूँ व्हाट्सएप चैट की, ठीक है, तो इसमें हो रहा क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक शुरू में एक इमेज आ रही है, ठीक है, जो कि हमारे पास यूज़र की इमेज है, ठीक है, ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक कोई ना कोई जो है यूज़र का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर यूज़र कोई मैसेज लिखा हुआ है, जो लास्ट मैसेज था या सेंड किया था या रिसीव किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइम वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये देख लेते हैं हम लोग इन चीज़ों को अचीव कैसे करते हैं, ठीक है। बेसिकली लिस्ट टाइल इसी चीज़ के लिए यूज होता है कि वो हमारे पास एक जो टेम्पलेट हमें बनाकर दे रहा होता है एक पर्टिकुलर चैट का, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। मैं अभी दोबारा अपनी स्क्रीन पर चले जाता हूँ। लिस्ट टाइल मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जो है टाइटल, टाइटल से पहले हम लीडिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लीडिंग लीडिंग के अंदर मैं बोल देता हूँ एक टेक्स्ट फीचर ले लेता हूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट फीचर ले लिया, उसको मैंने लिख दिया लोडिंग। उसके बाद मैंने टाइटल का एक विजिट ले लिया, सॉरी विजिट ले लिया, जैसे ये की है, सॉरी मैं गलती से बोल रहा था, विजिट है, ठीक है, ये जिसमें एक की है। तो टाइटल में मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया मोहम्मद सदी अहमद। उसके बाद मैंने सब टाइटल ले लिया, सब टाइटल में लिख दिया मैंने टुडे इज सेकंड क्लास ऑफ लेटर। और इसी तरीके से मैंने एक ट्रेलिंग ले लिया, ठीक है, और ट्रेलिंग में भी मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, जिससे मैं टाइम बता देता हूँ 12:30 PM। अब ये देख लेते हैं ये हमारे पास इसका कैसा लुक है, ठीक है। इसमें कौन सी यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि एरर जो है वही जहाँ छोड़ दे। अभी इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं, अभी तक हमने एप्लीकेशन रन नहीं की है। थिएटर रन की मैंने कमांड चला दी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में, फिर उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये रन होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम हमने एप्लीकेशन को रन किया है। उसके बाद जो है डायरेक्ट हम हॉटमेल डॉट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या हॉटमेल स्टार्ट को यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन को रीलोड करने के लिए। अभी आप ये देखें, आप हमारे पास जो है एक यूआई छोटा सा बना हुआ आ गया है, जस्ट थोड़ा सा सिमिलर है इसी तरीके का है। तो हम लोग ऐसे चैट व्यू बना रहे होते हैं। तो अभी अगर मुझे मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं कॉलम में इसको रैप कर देता हूँ स्टाइल को। तो हम इसको कॉलम में रैप कर लेते हैं, ये अब कॉन्स्टेंट में, अब जो है कह रहे थे भाई अब कॉन्स्टेंट यूज़ करने की जरूरत। अच्छा, अब मैं मल्टीपल स्टाइल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी छोड़ रहे हैं कॉन्स्ट, क्योंकि कॉन्स्ट जो है लगाना लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ पर देखें तो अच्छा, अभी इसको रन करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसका भी कैसा हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या मैं बहुत ज़्यादा कम की है तो और बढ़ा लेता हूँ।
ये हमारा एक चैट व्यू बन गया, ठीक है। तो अच्छा, अभी देखिए नीचे आप, हमारी स्क्रीन जो है, ये हमारे पास जो स्क्रीन हमारी क्रैश होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसके लिए हम लोग, तो अभी हमने जो चीज़ पढ़ी कि हम लोग जो सिंगल चाइल्ड स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ताकि हमारी स्क्रीन का ये इशू रिजॉल्व हो जाए, एक चीज़ तो ये। हमारे पास इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, या तो अभी शायद नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। जिस यूज कर लेते हैं, चल जिस में डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है, मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा था इस लेवल पे, क्योंकि अभी आपका वो लेवल नहीं है, तो आगे जाकर हम देख सकते हैं। खैर चलें, ठीक है। तो अभी ये देखें, अभी हमारी स्क्रीन जो है स्क्रॉल कर रही है, ठीक है, तो हमारे पास आई शेयर प्रीलोड हो रही है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है कुछ और भी, हमारे पास जो है लिस्ट स्टाइल के अंदर फीचर्स होते हैं, लाइक दैट के हमारे पास जो है टाइम कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अच्छा, आइकन कलर है, टेक्स्ट कलर है हमारे पास, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से टाइल कलर यूज़ कर लेते हैं, टाइल कलर यूज़ करते हैं, कलर्स डॉट, और इसको फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ ग्रे कलर, मैं सब टाइल्स में यूज कर लेता हूँ ये। तो टाइल बना दिए, बहुत सारे मतलब। अच्छा, अभी अगर आप देखें तो आपके पास जो है ये एक यूआई बना हुआ आगे, ठीक है, जिसका टाइल कलर भी चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो है, जैसे अगर मैं बात करूं, अभी ये देखें हमारे पास जो कोड जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, क्योंकि एक ही चैट है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेज जो होती है, हम लोग अपने पास विजेट्स बना के रखते हैं। और अगर हम, मैं बात करूँ लिस्ट स्टाइल की, ये भी एक विजेट है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर अपना एक विजेट बना लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको जो है फंक्शन बनाने सिखाए थे डार्ट के अंदर, तो डार्ट के अंदर फंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले को बता देते हैं कि फंक्शन का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ चैट, टाइल बना रहा हूँ, और रिटर्न टाइप दे देते हैं, रिटर्न टाइप में बोल देता हूँ इसकी विजेट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ चीज़ को, ठीक है, चेंज फॉर्म्स भी लगा देते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा डायनेमिक करके देख लेते हैं। चल डायनेमिक बाद में कर लेंगे, पहले इसको टिकट पता नहीं कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक अपने पास जो है एक चैट टाइल बना के रखी है, ठीक है, तो इसको हम कॉल करके देख लेते हैं। चैट टाइल मैं जितनी दफा भी कॉल करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये देखें, चीज़ थोड़ी सी जो है क्लीन हो गई है, थोड़ी सी आसान है, ये देखें सेम वही रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है। बट अभी आप देखें कोड थोड़ा सा साफ सुथरा हो गया, ठीक है। तो अच्छा, हम लोग जो है जब विजिट्स कोई भी बनाते हैं, हम विजिट्स जो है सेम क्लास में कभी भी नहीं बनाते, ठीक है। हमारे पास जो है लिब के फोल्डर के अंदर हमने एक फोल्डर बनाते हैं विजिट्स का, ठीक है, एक बनाते हैं विजिट्स का और एक बनाते हैं व्यूज का या स्क्रीन्स का, व्यूज का बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा व्यूज का फोल्डर होता है उसमें सारी स्क्रीन्स हमारे पास होती हैं, विजिट्स के अंदर हमारे सारे विजिट्स होते हैं। अब ये अगर मैं अभी बात करूँ होम व्यू की, ये भी हमारा एक व्यू है ना, एक स्क्रीन है, ठीक है। तो मैं इसको व्यू के अंदर मूव कर दूँ, ठीक है, मैंने उसको व्यू करना मूव कर दिया, ठीक है। अब जैसे मेरा ये विजिट है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था विजिट जो है विजिट्स की क्लास में जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ चैट अंडरस्कोर टाइल डॉट स्टार्ट, ताकि मुझे नाम से पता हो कि मैंने इसके अंदर क्या काम किया, ठीक है। तो होम व्यू में मैं आता हूँ, यहाँ से विजिट कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और चैट टाइल के अंदर जाके पेस्ट कर लेता हूँ।
और इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, मटेरियल्स हमने इंपोर्ट करना होता है, हमेशा ये याद रखिएगा, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये देखें यहाँ पर एरर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एरर रिजॉल्व हो गया और मेरा काम देखें काफ़ी क्लीन हो चुका है अभी। ठीक है, तो अभी अगर मैं होम व्यू की बात करूँ तो होम व्यू जो है अभी काफ़ी क्लीन हो गया, इसके अंदर जो कोई भी मैसी कोड नहीं है। चैट टाइल में हमने अलग बना दिया जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो देखें सेम रिजल्ट है। अच्छा, अब एक चीज़ हो रहा है, अब देखें हमारे पास जो डाटा है वो स्टैटिक है। ठीक है, लोडिंग सब सब जगह पर आता है। अभी अगर मैं चाह रहा हूँ मेरा डाटा भी जो है थोड़ा सा डायनेमिक हो जाए, तो इसके लिए ये कर लेते हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर कलर पास कर लेता हूँ। ठीक है, कलर पास कर लेते हैं, उसके अलावा टाइटल पास कर लेते हैं, सब टाइटल, और उसके बाद हम लोग जो है नाम भी, सब टाइटल के बाद हम लोग जो है टाइम टाइम पास कर लेते हैं, और यहाँ पर हम जो है वेरिएबल्स पास कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट, तो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा। फिर और इसी तरीके से यहाँ पर सब टाइटल आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर टाइम आ जाएगा। अच्छा, अभी फॉन्ट हटाना इस वजह से ज़रूरी था कि क्योंकि वो ओबियसली बात तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कि कभी भी चेंज हो सकता है वेरिएबल, तो इसके लिए गड़बड़ हो गई थी, पड़ोगे फॉन्ट थोड़ा हटा दो। अच्छा, कलर है तो यहाँ पर भी कलर दे। अच्छा, ठीक और अब यहाँ पर चैट टाइटल पर सब जगह पर एरर इंस्टॉल होंगे क्योंकि हमें ये सब चीज़ें इसको प्रोवाइड करनी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग कलर देने हैं, टाइटल देने हैं, सब टाइटल और टाइम। ठीक है, कलर में दे दिया कलर्स डॉट ग्रीन, टाइटल दे देता हूँ मैं यहाँ पर हाँ। ठीक है, सब टाइटल दे देते हैं, हेलो फ्रेंड वेयर आर यू। उसके बाद जो टाइम दे देते हैं 10:20 AM। इसी तरीके से चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने टाइल कलर को जो है डायनेमिक कर दिया। ठीक है, ग्रीन तो क्या यहाँ पर मैं ग्रे यूज़ कर लेता हूँ, ग्रे यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लू यूज़ कर लेते हैं, ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, येलो यहाँ पर रेड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रेस ग्रीन लाल रहमान, सर लाल रहमान जी हमारे बहुत फेवरेट टीचर हैं और ये बिल्कुल बेटर से बहुत बड़े डेवलपर भी। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ, ये देखिए हमारे पास चैट जो है बहुत मतलब के थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा, ये ब्लैक कलर तो कुछ हो गया था, ऑरेंज कर लेते हैं। अब ये देखें थोड़ा सा बेहतर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास एक और विजेट होता है सर्किल अवतार का। ठीक है, हमारे पास देखें लोडिंग था वो आ रहा है, ये मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मेरी कोई आइकन आ जाए, कोई इमेज वगैरह कुछ आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर देता हूँ फॉर नाउ, तो हमारे रहने देते हैं सर्किल अवतार। ठीक है, अच्छा इसके भी काफ़ी सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, हमसे विजेट ले रहा होता है। ठीक है, और चाइल्ड में कलर ले रहा होता है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर का है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर जैसे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम बोल देते हैं कलर, अच्छा स्टैटिक कलर देते हैं कलर डॉट ब्लैक, इसको कॉन्स्ट कर देते हैं, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब अगर आप लोग देखें तकरीबन हमारा यूआई इस जैसा बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर और हम लोग जो है कॉपी कर लेते हैं चैट टाइल को, सॉरी चैट टाइटल को भी अच्छा। अभी तो बहुत इनिशियल लेवल पर है हम लोग, इस वजह से जो ना अभी हमने बस थोड़ी सी चीज़ें देखी।
अच्छा ये इसका डिस्टेंस के लिए हो गया, अपन रनिंग कर लेता हूँ, क्या टाइम चला लेता हूँ। ठीक है ये देखें आपके पास एक पूरी चैट आ गई है, ठीक है इसका अगर आप लोग चाहें तो बैकग्राउंड इसका वाइट भी कर सकते हैं तो ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाए, तो कलर और वाइट कर देता हूँ ताकि डायनेमिक चीज़ हट जाए, और यहाँ पे इसको डायनेमिक कर देते हैं जो हमने कलर पास किया हो ताकि हमारे काम ज़्यादा ना हो और रेस्ट भी हो जाए, और पाँच मिनट आए थे। अब देखते हैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है बेहतर महसूस हो रहा होगा थोड़ा सा जो है व्यू देखकर। अच्छा अभी आपने करना ये है कि अभी आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप का यूआई बनाने के लिए दिया, ठीक है व्हाट्सएप के यूआई में ये होगा सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब आपने देखना ये है कि नीचे आइकन कैसा है करके। अच्छा आइकन लगाना भी मैं अभी बता देता हूँ, और उसके अलावा आपने टैब्स बनाने हैं, टैब्स के लिए आपने सर्च करना है कैसे करना है, तो इसके अलावा व्हाट्सएप लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, सर्च का बटन आ रहा है ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन मेन्यू आ रहा है यहाँ पर, तो ये सब आपने लगाना है। तो आप थोड़ा सा गूगल करेंगे आपको सब चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। अभी मैं आपको आइकन का बता देता हूँ आइकन कैसे लगेगा। अच्छा आइकन लगाने का तरीका ये होता है कि अच्छा अभी सर्किल अवतार है, मैं इसी के अंदर अगर मैं विजिट यूज कर लूँ ठीक है, तो फिर हमारे पास इसके अंदर विजिट की भी की थी, तो ये हमारे पास चाइल्ड है, चाइल्ड चाइल्ड के अंदर हम इसको दे देते हैं आइकन ठीक है, और आइकन हमसे लेता है आइकन्स डॉट। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आइकन है ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ टिक या चेक सॉरी ठीक है, तो अब इसको अगर मैं इनलोड करूँ तो अभी आप देखेंगे हमारे पास चेक बॉक्स बना हुआ आगे सब जगह ठीक है, तो आपने ये चेक बॉक्स लगाना है कहें कि जब हम मैसेज कोई सेंड कर रहा हो तो जो नीचे यूआई आ रहा होता है डबल टिक का या सिंगल टिक का, तो आपने इसको जो टाइम्स के बिल्कुल नीचे लगाना है ठीक है। अभी आप ये सर्च करेंगे कैसे लगेगा कैसे होगा, तो आपने मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करना है क्योंकि आपको हमने कंटेनर बता दिया, आपको लिस्ट स्टाइल बता दिया, आपको सिंगल सेल स्क्रॉल व्यू बता दिया, डिस्प्ले बता दिया है, और इसके अलावा टेक्स्ट तो आप ऑलरेडी जो से वाकिफ हैं, और कॉलम आपको पता है, रो आपको पता है, तो आपने करना ये है कि इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे जाके आपके लिए जो है काफ़ी इशू हो सकता है, अगर आप जो है प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आप सीख लीजिएगा। बाकी ये जो कोड है कोड भी मैं पुश कर देता हूँ ठीक है, गिट पर पुश करके मैं जो हमारा वीडियो का लिंक है उसके अंदर मैं इसका लिंक जो पोस्ट कर दूँगा ठीक है, तो आप सब लोग जो है वहाँ से इसको देख सकते हैं ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है आप लोग जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ठीक है, और इसके अलावा जो है बाकी हम लोग आगे भी ऐसे ही काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय।